बाकी अभी तक आर्टिफिशियल एकदम लोकल कर रहा था, देख सकते हो है ना। एंड इसी बात से यार आप सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। नहीं बोल पाई ओके सो गर्ल्स कॉल मिनोरिटी एंड आई एम मिस्टोरिटी एंड गाइस आपका स्वागत करता हूँ एक व्लॉग में। एंड ये गाइस मोटो व्लॉग में भी नहीं होने वाली बिकॉज भाई मेरे पास बाइक ही नहीं बची है। सब लोग जानते हो कि मेरी जो हॉट्स है वो भाई थाने में इस समय खड़ी है एंड चोरी हो गई थी। सो स्टिल इस वजह से भाई ये पैदल हैं हम लोग और हमारे साथ देख सकते हो कौन है, कौन है ये, कौन हो बताओ, हो कौन। देखो भाई इन्हें भी सड़क पे ले आया मैं, साइड से चलो वरना उड़ा देगा कोई, ठीक है। हाँ तो अरे भाई पीछे वाला बहुत साउंड करते जा रहा है, पहले चला जाइए है ना। तो कहाँ था मैं, हाँ भाई अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ, घूमने करने कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ओके सो गाइस अभी आपने आप लोग पता है कि वैलेंटाइन वीक पूरा बीता, वैलेंटाइन डे बीता एंड उसके पहले मेरी एनिवर्सरी भी थी, ठीक है ऐसे आप। सो कुछ भी मैंने स्पेशल नहीं किया था और शायद नहीं किया था एंड वैलेंटाइन वीक में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया था एंड मैंने सोचा कुछ थोड़ा बहुत इसके लिए किया जाए, हाँ किया जाए। सो ऐसे इसको एक अच्छा सा गिफ्ट जो कि इसे भी नहीं पता मैं क्या दिलाने जा, मैंने कहा बस तुम्हें कुछ दिलाने जा रहे हैं एंड थोड़ी बहुत अगर शॉपिंग हो पाई तो करेंगे बिकॉज भाई ये तैयार होते होते 3 बजे से 5 बजा दी हैं एंड मौसम ऐसा हो रखा है। सो मे बी थोड़ा मैंने लेट नहीं किया, सबको पता है लड़कियां लेट करती हैं, ठीक है। तो अभी देखो अभी हम लोग जा रहे हैं चौक एंड यहाँ ई रिक्शा का वेट कर रहा हूँ भाई, तब तक पैदल चल रहा हूँ, भी ई रिक्शा कोई आ नहीं रहा है। सो उस चौराहे पे शायद मिल जाए ई रिक्शा, तो अभी ई रिक्शे पकड़ते हैं एंड फिर जाते हैं हम लोग चौक एंड चौक में लेते हैं इसको, एक स्पेशल सा गिफ्ट दिलाता हूँ जो किसे भी नहीं पता है और बहुत ही ज़्यादा यार स्पेशल होगा वो गिफ्ट जो इसे आज तक मैंने कभी नहीं दिया। सो स्टे ट्यून्ड एंड डायरेक्ट सीधे ई रिक्शे मिलते हैं। ओके गाइस अभी तो ई रिक्शे बैठ गए हम लोग और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है आज भाई, कैश मैंने लिया है तो भाई थोड़ी बड़ी नोट है, 5-5 नोट है, कैश बिल्कुल छुट्टा रखा नहीं और इनसे कहा भाई इनके पास छुट्टे हैं नहीं और भाई सब ऑनलाइन है मेरे पास। सो अभी सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है, एटीएम कार्ड भी मेरा खो गया है। सो अभी जहाँ पहले शॉप पर रोकेंगे वहाँ कैश लेंगे ऑनलाइन करके, बस यही सोने से बचा है। फिर जा रहे हैं अभी हम लोग चौक और भैया धीरे धीरे ई रिक्शा चलाते हुए मजा आ रहा है, इतने दिन बाद ई रिक्शा बैठा दिया कि नहीं दिया बताओ, गाड़ी में अच्छा लगता है कि ई रिक्शा पे बताओ। हाँ अच्छा साथ में मेरे हर जगह, वाओ वेरी गुड डायलॉग, चलो भाई मुझे वैसे इन सब सिचुएशन बाइक की बहुत ज़्यादा याद आती है, मतलब होता तो अभी तक पहुँच चुका होता। सो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ भी ज़िंदगी में देखने पड़ते हैं, चलो कोई बात नहीं अभी सीधे चौक में मिलते हैं। लेट भाई अभी एक अहम की चीज़ पता चली, जो भी मेरे सब्सक्राइबर या जो भी मेरे नल्ले दोस्त जो भी मेरे हरामी दोस्त ब्लॉग देख रहे होंगे तो भाई उनको मैं बताना चाहता हूँ जो नशा करते हैं, ठीक है सर देख रहे हो नशा छुड़ाए सभी प्रकार के। सो गाइस अगर आप लोग कोई भी नशा किसी टाइम का भी नशा है नंबर दिख रहा है भैया पॉज करके देख लेना एंड कॉल मिला दो यार, फालतू ही कॉल मिला दो भाई, ऐसे ऐसे नशे इसको बता दो भाई पागल हो जाए ठीक है। और भाई जिसको सीरियसली नशा छुड़ाना है तो भाई वो भी कॉल कर सकते हैं, आप पता ओरिजिनल निकल जाए। सो भाई हमारे काम की चीज़ बताए हो तो इसी बात पर लाइक कर देना इस वीडियो को है ना। तुमको कौन सा नशा है, मेरा नशा है तो नशा तो छूटेगा नहीं, तो इसका बाप भी नहीं छोड़ा पाएगा मेरे हिसाब से है ना बोलो हाँ छोड़ा पाएगा। तो भाई देख सकते हो अगर तुम्हारा नशा छोड़ा सकता है तो भाई ट्राई करो इसको, बाकी मिलते हैं। ओके सो गाइस अभी हम लोग गिफ्ट इसको दिलाने आ गए, हम लोग क्या मैं अकेले आया हूँ और सरप्राइज है
तो अभी इसको पता नहीं है, वैसे सॉफ्ट दिख गया मुझे। कर लो मोड़ो, चलो आगे चलो। एक तो भाई कहाँ लेके आए हो भाई इसको, बैठ जाओ अपनी दुकान समझो। हाँ भाई क्या हाल चाल भाई? भाई क्या चाहिए तुमको बताओ आज? सोना चांदी हीरा मोती क्या चाहिए जल्दी बताओ, क्या चाहिए तेज बोलो, क्या चाहिए? देखो कितना तेज है, बताओ जल्दी बताओ। सरप्राइज वैसे मैं देने आया हूँ, तो भाई अभी मैं देने जा रहा हूँ इसको। वैसे अभी जितना बजट है भाई उतना ही चीज़ दे पाऊँगा। वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा चीज़ में दे पाऊँ, ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ, बट स्टिल अभी बोल दूँ भाई चांदी का अंगूठी दिखा दो। चांदी सही रहेगी, दिखा दो भाई। भाई चांदी का अंगूठी दिलाएंगे, यही था सरप्राइज। अबे यार पूरा हॉर्न बजाया पड़ा है। अभी चांदी का अंगूठी देखते हैं कौन सी पसंद आती है। पैसों की चांदी का अंगूठी, वैसे अभी तक मैंने देखो क्या क्या दिया है इसको, देखो अरे दिखाओ। ओके सो गाइस, यार बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए फाइनली हमें एक रिंग मिल गई है। एंड दिक्कत क्या हो रही थी भाई, ये हमारी तीसरी की चौथी दुकान है, भाई की दुकान पे मिला मुझे ये रिंग, देख सकते हो भाई बहुत प्यारी है। देख सकते हो गाइस ये वाली रिंग पसंद आई है। एंड फाइनली तो भाई ये भी नहीं आ रही रिंग, पहन के दिखाओ। हाँ तो वैसे भी ये भी नहीं रही है, देखो इतनी पतली उंगली देखो तो भाई बहुत ढीली है। निकालो आराम से निकालो, ये देखो। एंड भाई चौथी दुकान है और भाई की दुकान पर ये रिंग सीरियसली बहुत प्यारी लग रही है, एंड इस वक्त मैं ले रहा हूँ। एंड भाई कह रहे हैं आज काट देंगे तो पहन सकते हैं अभी, तो भाई पहना के जाऊँगा, बाकी कल फिर आना पड़ेगा इसको रिसाइज करने के लिए इसकी उंगलियों के हिसाब से। सो भाई इसको पैक कर दो ठीक है। एंड तो भाई कैसा लग रहा मेरा ओवरऑल आउटफिट देख सकते हो। इसको देखो देखो मैचिंग मैचिंग पहन लिया रेड रेड हम लोग। तो भाई पैक कर दियो। ओके भाई तो ये आ गई है। अरे भाई वो रबड़ में नहीं है क्या, उसमें सॉफ्ट वाला जो है खुशा रहे भाई। लगा दो यार अभी खुश हो, चलो नहीं पहना तो भाई उसको कट तो कर दो यार ठीक है। चलो भाई सभी लेते हैं, ये लोग कटिंग कर रहे हैं और कट गई। पहनो देखो हो रही है ना, अब हो गई। चलो सही है, ले लो तो कटी। छोटा चांदी। चलो गाइस अभी भाई ने कैमरा पकड़ लिया अपना, और मैं सोच रहा हूँ अब हो ही गया तो पहना दूँ। भाई जिंदगी में पहली बार मैं इसलिए चांदी का अंगूठी से क्लिक कर रहा हूँ। ਕੁੜੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲੂ ਹੋਈ ਉਹ ਗੱਬਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮ ਐਂਡ ਇਸ ਵਕਤ ਯਾਰ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰਮਾ ਕਿਤਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ चलो कोई बात नहीं। अब बगल में इन सब गोलियों को देखो भाई कितनी फीकी लग रही। सो भाई ओरिजिनल ओरिजिनल होता है इसी वजह से। एंड लाइक कर देना भाई, और बहुत मुश्किल से अंगूठी मिली है तो भाई को पेमेंट कर देता हूँ भाई ठीक है। तो अभी मिलते हैं, एंड बाकी जो बोलना होगा मैं घर में बोल दूँगा। तो भाई अभी हम लोग परफ्यूम लेने आए हैं भाई की दुकान पर, एंड बहुत ढेर सारे परफ्यूम दिखाया है, एंड मुझे ये पसंद आया। वैसे गेस करो ये कौन सा ब्रांड हो सकता है। एंड लोगो दिखा देता हूँ, ये देखो बहुत ही सेक्सी भाई इसकी स्मेल है, बहुत प्यारी। भाई दिखाया तो बहुत सारे और रख दिए, एंड मुझे पसंद आई है। सो कमेंट करके बताना
और इसको दिलाना है क्या लिपस्टिक, हाँ, और पता नहीं क्या क्या लेगी। सो अभी ले लेते हैं। एंड मुझे तो भाई परफ्यूम चाहिए था, बस मेरा हो गया, इसका देखते हैं क्या लेती है। सो भाई जो जो कह रही है, एंड भाई मुझे ये दिखा देना इस बार, मेरा वो ख़राब हो गया रोलर पॉम्प, तो वो दे देना, क्योंकि भाई मैं डेली डेली हेयर ड्रायर मारता हूँ बालों पे, एंड नेक्स्ट को मैं हेयर कट कर ही कर रहा है। सो कैसा लग रहा है तो मैं बता देना, बाकी इसको दिला देता हूँ जो चीज़ चाहिए ना। लड़ा कितनी घूम रही है, बड़ी खुश है ना, खुश हो ना। तो भाई देख सकते हो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने ले ली है हम लोगों ने। ये फाउंडेशन दो, ये मैंने अपने लिए लिया, ये भी एक मेरा, ये किसका, ये मेरा, ये सब भी इसका, नहीं ये सीरम है, ये मेरा है भाई बाल में लगाने के लिए, एंड ये सब इसका। और ये मैंने पॉकेट कॉम्ब ले लिया, तो ये भी मेरा ही है, और ये भी मेरा है। तो ज़्यादातर झूठ बोलती है, देखिए ये भी इनका है, हाँ ये दोनों मेरा है, ये भी इनका है, तीन मेरा, ये भी इनका है, हाँ अच्छा एक काम करो, ये सब भी देखो आप इनकी चीज देख लीजिए, देख लिया आप लोगों ने। वाह भाई, भाई झूठ बोल रही है ना, ये झूठ नहीं बोल रहा ना, सही बताइए। भाई टोटल कर दो, चलो भाई टोटल कर दो, चलो भाई अभी ये सब ले लिया है, देखते हैं टोटल, भाई जेब ढीली होने वाली है। गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिया, एंड भाई जेब ज़्यादा ही ढीली हो गई, बहुत सारी चीज़ें वैसे हम लोगों ने ली, एंड अभी जा रहे हैं सिविल लाइन्स कुछ खाते हैं, क्योंकि इधर साइड कुछ खाने की अच्छी चीज़ मिलेगी नहीं, सो वहाँ जा रहे हैं खाने, अभी रिश्ता फिर सब करते हैं। क्या लिया हम लोगों ने, नहीं थी वो तो शॉपिंग वाला सामान है, एंड ये देखो कॉर्न, गैस कॉर्न मैगी बहुत पसंद है, तो आज कॉर्न मैगी इसको भी पसंद है, मुझे पसंद है। एंड ये हरा चना भाई, जो कच्चा चना होता है ना बहुत मज़ा आता है खाने में, कभी ट्राई करना अगर नहीं किया हो तो। सो अभी जा रहे हैं सिविल लाइन, देखते हैं रिक्शा पकड़ते हैं, हाँ हाँ चलना है चलना है। सो गाइस हम लोग सिविल लाइन्स आ चुके हैं, एंड देख सकते हो दृष्टि के पास है हम लोग, एंड भाई ई रिक्शा भी कोई नहीं आ रहा, आ गया आ भी रहे तो भरे वाले, ठीक है। सो जा रहे बिग बाज़ार, बिकॉज हम लोग जो खाना था वहाँ पे नाइट मार्केट में वो शॉप ही बंद थी, एंड अभी हम लोग जा रहे बिग बाज़ार, क्योंकि उसका दूसरा जो आउटलेट है वहाँ पे है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, शायद खुली हो तो खाएँ, वरना नहीं होगा तो कुछ भी खा के काम चलाना पड़ेगा। और गाइस पैदल हुए हैं, एंड बस बार बार यही याद हो आ रहा है कि भाई बाइक होती तो आसान होता रास्ता, स्टिल भाई ये सारी लाइफ में झेलना पड़ जाता है आपके साथ, पता नहीं क्या भाई समझ में नहीं आता भाई ऐसे चीज़ें क्यों होती लाइफ में, मैं बहुत उतार चढ़ाव हुआ है भाई मेरी लाइफ में। एंड इसको देखो अभी हाथ छोड़ नहीं रही भाई, मैं पूरा फोर्स जा रहा है, स्पेस उठ करता था तब भी इसको नहीं समझ में आ रहा, देखो ये देखो, हाँ चलो कोई बात नहीं यार, अभी हम पैदल का रास्ता तो पैदल ही आ रहा हूँ, तो अभी मिलते हैं। एंड गाइस फाइनली जो हम लोगों को खाना था वो मिल चुका है, देख सकते हो सोया चाप बिरयानी, मैंने तो बहुत कुछ खा के, ठीक है क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है यार, सीरियसली बता रहा हूँ, तो ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है, मतलब ये वेज में ही है, लगती नॉन वेज है ऐसा टेस्ट रहता है। एंड गाइस फर्स्ट चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोग सोच रहे होगे ना कि भाई ये लोग लड़ाई थी, भाई ये मना की थी वीडियो ना बनाने का, तो कैसे बना रही है। सो इसने यार सॉरी वॉरी बोला, कि बाद में इसको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है, तो भाई तुम्हारा भाई दिलदार है, सॉरी वॉरी बोलेगी तो भाई माफ़ तो कर देता हूँ मैं, कोई भी हो तो माफ़ कर दिया। एंड बस यार कमेंट मत करना भाई, ये लोग कैसे ये सब चीज़ मत सोचो, क्योंकि रिलेशनशिप पहले लड़ाइयाँ चलती रहती हैं छोटा होते, तो आप लोग भी लड़ाओ लड़ाओ मत करो। एंड इसको खा के हम लोग डिनर घर जाएंगे, तो बस यार वीडियो तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो, बाकी ख्याल रखो, मजे करो यार।